Hello bachcho, let's read the question. The question says, find the coordinates of vertices of a rectangle placed in third quadrant in the Cartesian plane with the length p units and on x-axis and breadth q units on y-axis. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे मैंने दो एक्सेस बनाए हुए हैं, एक y एक्सेस और एक x एक्सेस. अब हम पहले क्वाड्रेंट्स बता देता हूँ मैं. ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. क्वेश्चन में कहा है कि रेक्टेंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ वो रेक्टेंगल थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा और उसकी लेंथ पी यूनिट्स है. चलिए अब हम ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी लेंथ पी यूनिट्स है. तो हम एक्स एक्सिस पे पी यूनिट्स लेंथ है. ये हम अगर पी मान लें तो हमारी ये लेंथ पी यूनिट्स हो जाएगी. और ब्रेथ कहा है क्यू यूनिट्स, ये लेंथ हमारी क्यू यूनिट हो जाएगी. ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यू हो जाएगा पॉइंट और ये नेगेटिव में दिया जाएगा. अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है. इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं. और ये पॉइंट हमारा माइनस पी कॉमा जीरो हो जाएगा सिंस ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस जीरो कॉमा माइनस क्यू सिंस ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है. और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा p माइनस पी कॉमा माइनस क्यू क्योंकि ये इसके x कोऑर्डिनेट माइनस पी है और y कोऑर्डिनेट माइनस क्यू. तो हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस पी कॉमा जीरो जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा माइनस क्यू और माइनस पी कॉमा माइनस क्यू. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.